हर राशन की दुकान पर देखा जाता है कि भीड़ लगी हुई है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि दो दिन पहले एक कोटा उठाते हैं, तीसरे दिन गायब हो जाता है। तो हमने एक 10 डिमांड ऐसी दी है कि पहले तो सारी राशन की दुकानें जो महानगर पालिका और नगर पालिका क्षेत्र में आती है वो नगर सेवक के मार्गदर्शन में दे दो, इनके मार्गदर्शन में रहेंगी तो कालाबाजारी नहीं होगी। दूसरा कि महीने के 24 दिन दुकानें खुली रहना चाहिए, इस पर बोर्ड रहना चाहिए जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट से जितने भी गरजू तक जो अन्य धान्य परोठा होता है जितना कोठा मिलना चाहिए उसका उल्लेख होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल रही है जहाँ हैंग हो रही है, बहुत जगह हैंग का बहाना बता रहे हैं, पता नहीं ये क्या कर पा रहे हैं, लेकिन एक आध दो दिन वो आता बेचारा चले जाता, उसका माल भी गायब हो जाता। तो इसलिए हर गरजू कार्ड धारक को उसका राशन महीने भर का मिलना ही मिलना है, ये हमारा पहला हेतु है। दूसरा, अगर ना मिला तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम आपके माध्यम से, मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा नंबर है 9822880158। ये नंबर सभी लोग इसको नोंद करें, जहाँ अगर किसको राशन के दुकान पर किट ना मिले हो दिवाली की वो भी हमसे रब्ता करे, और राशन की दुकान पर अगर आपको राशन नहीं मिलता, महीना भरने के बाद भी नहीं मिलता, बेशक आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी सहायता के लिए ये इशू को, ये विषय को आखिर तक लेके चलेंगे, हर गर्जमंद को उसका हक दिलाएंगे। ये हमारी आज कलेक्टर साहब से डिमांड करके हम मुख्यमंत्री साहब को एक डेलीगेशन आज हमने दी है। का जो राशन की दुकान वाले ब्लैकमेल कर रहे और एक दिन थम नहीं आया तो दूसरे दिन उनका राशन कट कर दे रहे, और दुकान भी खोलने का टाइमिंग उनके 2 या 1 घंटा ही रख रहे, और उसके बाद शाम में जो 5 बजे दुकान पहले खुलते थे राशन के, अब वो खुल रहे नहीं। और गरीबों को अभी जो राशन के किट आए थे उसमें से कुछ शक्कर कम दिए, कोई ने घी कम दिए, और कई लोगों को कई राशन नहीं मिले। राशन दुकान वालों को ये बोल रही हूँ कि तुम जो गरीबों का हक है वो गरीबों को हक दो। राशन दुकान वाले जो जिनको सही जरूरत नहीं है राशन की, वो लोग ब्लैक में राशन लेके जा रहे हैं और वो खा रहे, और राशन दुकान वाले जिनको सही जरूरत है उनको राशन नहीं दे रहे। हम उनको बोले तुम्हारा थम्स नहीं है, तुम्हारा आधार कार्ड लिंक नहीं है, तुम कलेक्टर ऑफिस को जाओ, तुम्हारा राशन कार्ड दे वहाँ पे वो रेन्यू करके लेके आओ, तो गरीबों को राशन नहीं मिल रहा ना। राशन दुकान वालों को ये बोल रही हूँ कि तुम जो गरीबों का हक है वो गरीबों को हक दो। राशन दुकान वाले जो जिनको सही जरूरत नहीं है राशन की, वो लोग ब्लैक में राशन लेके जा रहे हैं और वो खा रहे, और राशन दुकान वाले जिनको सही जरूरत है उनको राशन नहीं दे रहे। हम उनको बोले तुम्हारा थम्स नहीं है, तुम्हारा आधार कार्ड लिंक नहीं है, तुम कलेक्टर ऑफिस को जाओ, तुम्हारा राशन कार्ड दे वहाँ पे वो रेन्यू करके लेके आओ, तो गरीबों को राशन नहीं मिल रहा, ना गरीबों को फ्री का राशन मिल रहा, ना उनको किट मिल रही, तो राशन दुकान वालों के ऊपर कार्रवाई होने को होना। और जब घर में राशन नहीं होता है, राशन नहीं मिलता है, तो एक महिला के तौर पर आपके वो बताइए, आप कैसा दर्द होता है, बच्चे भूखे रहते हैं, प्यासे बच्चे भूखे रहते हैं, और गरीबों का जो राशन की दुकान वाले ब्लैकमेल कर रहे और एक दिन थम नहीं आया तो दूसरे दिन उनका राशन कट कर दे रहे, और दुकान भी खोलने का टाइमिंग उनके 2 या 1 घंटा ही रख रहे, और उसके बाद शाम में जो 5 बजे दुकान पहले खुलते थे राशन के, अब वो खुल रहे नहीं। और गरीबों को अभी जो राशन के किट आए थे उसमें से कुछ शक्कर कम दिए, कोई ने घी कम दिए, और कई लोगों को कई राशन नहीं मिले। आपका पूरा नाम पद बताइए। सलमा बेगम शेख, और महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अल्पसंख्या। औरंगाबाद के कलेक्टर साहब को एक डेलीगेशन दी है, जनहित का डेलीगेशन ऐसा है, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से, जिसमें हमने डिमांड की कि औरंगाबाद समेत पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां महानगर पालिका और नगर पालिका है, जहां भी नगर सेवक और नगर पंचायत के मेंबर है, राशन की जो दुकानें हैं ये सब इनके मार्गदर्शन में ले लेना चाहिए, इनके अध्यक्षता में चले। इसका कारण ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हो कि ग्राम पंचायत में सरपंच और ग्राम सेवक के बिना कोठा नहीं मिलता, जिसकी वजह से पूरा माल गरजू तक पहुंचता है ग्रामीण क्षेत्र में।
तो हम देख रहे हैं, हमारा बहुत दिन से सर्वे जारी था शहर में, हम लोग कर रहे थे, हमारी टीम भी कर रही थी कि नगर से जो कि हर राशन की दुकान पर देखा जाता कि भीड़ लगी हुई है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि दो दिन पहले एक कोटा उठाते हैं, तीसरे दिन गायब हो जाता है। तो हमने एक 10 डिमांड ऐसी दी है कि पहले तो सारी राशन की दुकानें जो महानगर पालिका और नगर पालिका क्षेत्र में आती है वो नगर सेवक के मार्गदर्शन में दे दो, इनके मार्गदर्शन में रहेंगी तो कालाबाजारी नहीं होगी। दूसरा कि महीने के 24 दिन दुकानें खुली रहना चाहिए, इस पर बोर्ड रहना चाहिए जिसके ऊपर जो गवर्नमेंट से जितने भी गरजू तक जो अन्न धान्य परोठा होता है, जितना कोठा मिलना चाहिए उसका उल्लेख होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन चल रही है जहाँ हैंग हो रही है, बहुत जगह हैंग का बहाना बता रहे हैं, पता नहीं ये क्या कर पा रहे हैं, लेकिन एक आध दो दिन वो आता बेचारा चले जाता, उसका माल भी गायब हो जाता। तो इसलिए हर गरजू कार्ड धारक को उसका राशन महीने भर का मिलना ही मिलना है, ये हमारा पहला हेतु है। दूसरा, अगर ना मिला तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम आपके माध्यम से, मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा नंबर है 9822880158। ये नंबर सभी लोग इसको नोंद करें, जहाँ अगर किसको राशन के दुकान पर किट ना मिले हो दिवाली की, वो भी हमसे रब्ता करें। और राशन की दुकान पर अगर आपको राशन नहीं मिलता, महीना भरने के बाद भी नहीं मिलता, बेशक आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी सहायता के लिए ये इश्यू को, ये विषय को आखिर तक लेके चलेंगे, हर गर्जमंद को उसका हक दिलाएंगे, धरना देंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट की पायरी चढ़ेंगे, लेकिन इस इशू को पूरे अनजान तक हम पहुँचाएंगे। आज मेरे साथ हमारे सलीम शरीफ साहब, शेरू भाई, सलमा बाजी, शाहिन बाजी, अनिसा बाजी, सुल्तानाबाजी, सलीम भाई, तमाम हमारे जो पदाधिकारी है, हमने एक डेलीगेशन दी है, सब मौजूद है, और ये हमारी लड़ाई अब यहाँ से शुरू हो गई, हम इसको अंजाम तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे, ऐसी आपसे उम्मीद रखते हैं। सर, ऐसा है कि ये काम को जो नगर सेवक किसमें देना चाहिए, आपको लगता नहीं कि इसमें आने वाले वक्त में शायद राजनीति हो जाएगी? देखिए, वो राजनीति होगी तब होगी, कम से कम गरीबों को इंसाफ मिलेगा, राजनीति होगी वो जब देखा जाएगा, लेकिन ये कालाबाजारी तो बंद होंगी ना, अंकुश तो लगेगा। इंपॉर्टेंट इश्यू, हमने ऑडिट भी मांगा है, हर राशन की दुकान वाले का ऑडिट होना ज़रूरी है, ये पता चलेगा कि इसके अंदर कालाबाजारी कितनी हो रही है, ये ऑडिट नहीं हो रहा ना, तो सुबह का माल आ रहा है शाम में गायब, गरजमंद अगर जा रहा वहाँ तो पता चला कि उसका माल चला गया। तो अब ये जो कालाबाजारी चलेगी, इसको इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करेंगे। सर, जो बड़े स्तर की राजनीति के जो लोग होते हैं, जिसमें आमदार भी होते हैं, खासदार भी होते हैं, उसको अपील करेंगे कि आप थोड़ा सहयोग करो, मिलके काम करेंगे, थोड़ा अच्छा जनता की। भाई, हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि जितने भी लोक प्रतिनिधि है, जितने भी आमदार खासदार साहब है, हमारे औरंगाबाद जिले के सम्माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब से भी हम आपके माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि वो भी इस मुहिम में हमारा साथ दें, और इश्यू को हम एक डेलीगेशन उनको भी देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, एक डेलीगेशन हम उनको भी देंगे, लेकिन पहला प्रशासकीय स्तर पर कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब तक ये हमारा डेलीगेशन जाएगा, और इसके ऊपर जल्द हमने हमारे विरोधी पक्ष नेता जो हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के अजीत दादा पवार साहब है, उनको भी हमने कॉपी दी है, और हम उनसे भी डिमांड करने वाले कि ये इशू को हाउस में उठाए और इसको अंजाम तक पहुंचाए। औरंगाबाद शहर में कई संगठन इसके ऊपर भी काम करें, उनसे खुला आह्वान करेंगे कि आप चलिए मिलकर काम करते हैं, राजनीति थोड़ा बाजू रखते हैं, ऐसा कोई आह्वान करेंगे? बिल्कुल, हम आह्वान करेंगे। मैं सलीम पटेल वाहेगांव कर इस बात का आह्वान करता हूँ कि सारी राजनीति को बाजू रखते हुए गरीबों का हक दिलाने के लिए हम मिलकर लड़ेंगे, आप भी साथ में आइए, हम भी आपके साथ चलेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।